अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट ने साबिक सदर की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की दरख्वास्त पर पिम्स हेड को बीमारी के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खसूसी बेंच ने साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केसेज में तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की समाअत की। अदालत ने फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पिशावर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। एक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अफगान खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार करके कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक खातून दहशतगर्द बारूदी मवाद लाहौर लेकर जा रही थी, जबकि खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी अमल में आई। बम डिस्पोजल एहलकार ने बम को नाकारा बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का विजिट, हस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में बनने वाले नए आईसीयू वार्ड का भी जायजा लिया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने बयान में बताया कि हुकूमत सेहत के मामले में दिलचस्पी रखती है। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में आईसीयू वार्ड का बनना हुकूमत का अजीम कारनामा है, इससे सैकड़ों मरीज मुस्तफीद होंगे। बहावलपुर के नवाही गांव में नौसरबाज खवातीन और मर्द पकड़े गए। मुसाफिर के इत्तला पर मोटरवे पुलिस ने मुलजमान को पकड़कर पुलिस चौकी नूरपुर नगार के हवाले किया। नौसरबाज खवातीन और मर्द ने एक खातून के पर्स से 1 लाख रुपया निकाल कर फरार होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस थाना मुसाफिर खाना ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरबीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने थाना सत्याना का अचानक विजिट किया और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की, हवालात मुलजमान की तफसील चेक की। संगीन मुकदमात की बरवक्त यकसोई ना करने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। आरपीओ ने हदायत जारी की कि थाना की सफाई, हवालात और दीगर रिकॉर्ड को दुरुस्त हालत में मरतब किया जाए, सर्विस डिलीवरी के अमल को बेहतर बनाया जाए, थाने में आने जाने वाले साइलिन के लिए मिसाली रवैया इख्तियार किया जाए और इनकी दाद रसी करते हुए अपने फराइज को अंजाम दिया जाए। हरनौली के बाखलाक समाजी वर्कर और बहुत अच्छे क्रिकेटर मोहम्मद वसीम सदीकी ने खुद को फायर मार कर खुदकुशी कर ली। अल्लाह पाक मरहूम की मगफरत फरमाए। न्यूज रूम से फिलवाल इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।